हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूपिड ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं फूड अड्डा गांधीनगर में, रिलायंस चौकड़ी के पास जो है वहाँ पे। हम लोग को अभी अचानक से मन कर गया बाहर घूमने फिरने का, और अभी सोच रहे थे ना कुछ ट्राई आउट करते हैं। इसका नाम सुना हुआ था हमने, दो तीन बार हमने नोटिस किया था कि आएंगे, पर आज फाइनली हम लोग आ गए हैं। तो अभी यहाँ का हम लोग ने दो बर्गर ऑर्डर किए हैं, एक वेजी बर्गर है और दूसरा कौन सा ऑर्डर किया, एक वेज पैटी बर्गर। हाँ, एक वेज पैटी बर्गर है और दूसरा यहाँ पे हम लोग ने एक कौन सा था, गार्लिक रोस्ट बर्गर था, और साथ में ब्लू लगून मंगाने वाले हैं हम लोग। तो बताते हैं यहाँ का फूड आइटम कैसा रहता है आपको, तो बस तब तक आप लोग वेट करिए, हम लोग भी वेट कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं फूड आने तक, तब तक के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत वैरायटी है, अलग अलग देख रहे हैं, फ्राइज, बर्गर, सैंडविचेस की, पास्ता की, और ख़ासकर यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के ये चीज़ें मिलती हैं और बहुत अलग लुक के साथ मिलती है। ऐसा हम लोगों ने इनके इंस्टा पे देखा है, इनके बर्गर पे और फ्राइज वगैरह। जैसे ये एक है, ये लंबू बर्गर करके था, इस पर तीन बर्गर आते हैं लेयर वाइज। तो हम लोगों ने पिक्स वगैरह देखे थे, बहुत अच्छे पिक्स आए थे। हम लोगों ने अभी उतना ये ऑर्डर नहीं किया, मतलब उतना फास्ट ऑर्डर नहीं किया पिज़्ज़ा का या लंबा बर्गर का या कुछ, जैसा हम लोगों ने देखा था, क्योंकि अभी हम लोग अचानक से आ गए। तो अभी हमें उतनी भूख नहीं है कि हम लोग कुछ बहुत अच्छा खासा ऑर्डर करें। हम लोग पहले सोचे थे कि अलग से आएंगे ये इसका ब्लॉग बनाने के लिए, तो हम लोग थोड़ा अच्छी खासी चीज़ें ऑर्डर करेंगे, पर अभी हम लोग क्योंकि ऐसे ही आ गए हैं बिना कोई प्लान के, तो अभी हम लोगों ने इसलिए नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें ही ऑर्डर की हैं। बट टेस्ट तो हम लोग आपको फिर भी बता सकते हैं ना, इसलिए अभी हम लोग आगे खाने पीने के लिए व्लॉग भी चालू कर दिए। आप देख सकते हैं हमारा ड्रेस भी पूरा घर वाला ही है। तो अभी हमारा एक बर्गर आ गया है, ये कौन सा बर्गर है वो तो मेरे को नहीं पता, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो पूछेंगे हम लोग ये कौन सा बर्गर है। मेरा वाला है वेजी बर्गर लग रहा है। वेजी बर्गर, हाँ वेजी बर्गर है ना, ये हम लोग का वेजी बर्गर आ गया है। जो इसने ऑर्डर किया तो यही टेस्ट करके बताएगा ऑब्वियसली। और ये हमारा ब्लू लगून कूलर भी आ गया है, ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, मस्त एकदम। तो अभी ये ट्राई करके बताते हैं कैसा है। मेरा भी बर्गर आ गया है, मेरे को एकदम भी आइडिया नहीं था ये ऑर्डर करते वक्त ये कि इसमें फ्रेंच फ्राइज भी आएंगी, मेरे को ये एकदम भी आइडिया नहीं था। बर्गर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, मतलब और रेट्स यहाँ के काफ़ी रिजनेबल रेट्स हैं। अभी हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें ऑर्डर किया, हमें बहुत रिजनेबल लगा, और बर्गर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी मिली है, जो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और उस पर लिखा भी नहीं था, मतलब गार्लिक रोस्ट बर्गर लिखा था और उसमें अंदर के आइटम्स लिखे नहीं, बट फ्रेंच फ्राइज मिलेगा ये नहीं लिखा था, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें कि ये सब है कैसी। पहले मैं ट्राई करूँ, फ्रेंच फ्राइज तो ऑब्वियस है, सबको टेस्ट पता ही है, इसका टेस्ट बताते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यम है, मतलब मैकडी के बाद हम लोग को अभी तक इतना बर्गर जल्दी से पसंद नहीं आते हैं हर जगह के, हम लोग को मैकडी के बर्गर काफ़ी पसंद है, बट इस बर्गर का टेस्ट सही में औसम है, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसकी पैटी का, सॉस का, ओवरऑल। और बर्गर तो ये इतना बड़ा है कि मुँह ही नहीं खुल रहा था इसको खाने के लिए, इतना सही है। तो बर्गर मेरी तरफ से तो बहुत ही अच्छा है, ज़रूर रिकमेंडेड है, बाकी इसकी तरफ से कैसा है वो ये अभी रिव्यू देगा। बर्गर, ये वेजी बर्गर है और ये हमारा ब्लू लगून है। टडा, स्टार्ट करते हैं। आपका भी मुंह नहीं खुला?
बर्गर अच्छा है, चीज़ी बर्गर है, चीज़ मेयोनीज जैसा बर्गर है, भजी में पर टेस्टी मस्त है। सही में रिकमेंड दिस बर्गर, ऑब्वियसली इतना टेस्टी बर्गर है वो भी इतना सस्ता, सस्ते में अच्छा बर्गर खाना है तो कितने में है ये भी तो बताओ इन लोग को। ये शायद से 59 rupees का बर्गर है, मैकडी के बाद ये सस्ता बर्गर है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली कंपैरेटिवली शायद से मैकडी का प्राइस भी इसके आसपास है, बट मैकडी में मेयोनीज नहीं रहता वेजी वाले में। सही बात है, पहला बर्गर बहुत ही, यहाँ पे बर्गर हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप बर्गर, हो सकता है कि बाकी सारी आइटम्स भी यहाँ की बहुत टेस्टी हो सकती है जिस हिसाब से हमने रिव्यूज़ और वो सब चीज़ें देखी हुई है यहाँ की। और हम लोग किसी लिए आए थे आज, मन किया तो उड़ते उड़ते आके उड़ते पंछियों की तरह। और रही बात ब्लू लगन की, तो ब्लू लगन भी बहुत ही टेस्टी है, दिखने में भी मस्त है, मस्त नींबू वींबू डाल के दे दिया इन लोगों ने अपने को, तो पियेंगे मजे करेंगे। तो बस इसी के साथ हम ये ब्लॉग खाते रहते हैं पीते रहते हैं ऐसे ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग ने फूड अड्डे में खाना खा लिया है, खाना सही में बहुत ही यम था, और बर्गर तो मतलब ऐसा लाजवाब बर्गर, मैकडी से ज़्यादा मैं अच्छा बोल सकता हूँ इसको। मेरा जो बर्गर था रेगुलर बर्गर शायद वो ऐसा ही रहता है इन लोग का, पर हाँ सही में बहुत ही टेस्टी खाया। और मेरा गार्लिक रोस्ट बर्गर था जो मैंने लिया था, मेरे को पता नहीं था उसके साथ फ्रेंच फ्राइज मिलता है, तो वो फ्रेंच फ्राइज भी मिला हम लोग को, ऊपर से बर्गर का साइज़ भी बहुत बड़ा था, प्लस उसमें नाचोस भी थे। मैं आप लोग को ये बात पहले बता रहा भूल गई थी, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था मैंने नाचोस देख के भी ऑर्डर किया था, तो उसमें नाचोस भी थे, और काफ़ी मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा टेस्ट था, बहुत पसंद आया मेरे को। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये इसका जो लोकेशन है वो हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, और ज़रूर आके ट्राई करिए, हम लोग बोलेंगे आपको। और इसका इंस्टा पे भी आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का फूड अड्डा खोलेंगे तो आपको इनका दिखाई देगा, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास कितनी वैरायटी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। अभी हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो हम लोग की सब्सक्राइब करना मत भूलो, और हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्यूपिड ब्लॉग को, और आप लोग इंस्टा पे भी हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।